जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले बोले ओले 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 हे गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार के न्यू स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो गाइस, अगर आपको भी ऐसा स्टेटस वीडियो को बनाना है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप काइनमास्टर ऐप डाउनलोड कर लेना। अगर आपको काइनमास्टर ऐप डाउनलोड करना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। आप वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस, बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले आपको काइनमास्टर में आना है, फिर आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेकंड नंबर का साइज सेलेक्ट करना है और नीचे जाना है, फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ जो फोटो ड्यूरेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख सो गाइस, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो फोटो ड्यूरेशन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पे देखो, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ये 4.5 सेकंड पे रहेगा। इसको आपको इस प्रकार से स्लाइड करके, राइट साइड स्लाइड करके इसको 0.4 सेकंड कर देना। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0.5 सेकंड से एक लाइन लेफ्ट साइड जो है वो 0.4 सेकंड है। या तो आप शुरू से भी गिन सकते हो, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो 1, 2, 3, 4। तो जहाँ पे 4 है वो हमारा 0.4 सेकंड हो गया। सो फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी फोटो को सिलेक्ट करना है। तो आपको देखो फोटो कितना सिलेक्ट करना है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि फोटो बहुत ही ज़्यादा लगेगा लगने वाला है। सो आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको फोटो सिलेक्ट करते जाना है इस प्रकार से। और यहाँ पे आपको सेकंड दिखाई दे रहा होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो इस सेकंड को आप देखना और जैसे 25 सेकंड पूरा जाता है फिर आपको रुक जाना है। ओके, सो 25 सेकंड तक आपको यहाँ पे इस प्रकार से फोटो को सिलेक्ट करते जाना है। तो आपके पास जितना ही फोटो है आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। ओके, सो मैं यहाँ से 25 सेकंड तक अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है अपनी इमेज को, ये 25 सेकंड तक हो चुका है। सो आपको फिर डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पे आपको शुरू वाली पोजीशन पे आ जाना है, फिर आपको क्लिक करना है ऑडियो पे, और ये ऑडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हाँ गाइस, देखो जो भी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना है और नीचे जाना है, 40 सेकंड आपको वेट करना है, 40 सेकंड फिर आपको सभी मटेरियल्स का लिंक मिल जाएगा। यार उसके लिए मैंने वीडियो भी बना रखा है कि मटेरियल्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, मतलब जो भी मटेरियल्स होता है उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यार आप लोग वीडियो नहीं देखते और आप लोग पूछते हो कि कहाँ पे है, ये नहीं है वो नहीं है, यार मैंने वीडियो बना रखा है यार, मैंने आपको बता ही देता हूँ कि आपको क्या करना है। सो गाइस, आपको करना क्या है, ये वाला ऑडियो को यहाँ पे ऐड करना है। ओके, सो यही वाला ऑडियो है, सो इसको आपको सबसे पहले सिंपली ऐड कर लेना है। अब इसको ऐड करने के बाद देखो आपको करना क्या है। सो गाइस, सबसे पहले आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है, 6.800 सेकंड पे जाना है आपको। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको आ जाना है 6.800 सेकंड पे, और यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है और क्लिक करना है मीडिया पे, और ये वाला फ्लैश इफेक्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको इसको ऐड करना है। अब इसको ऐड करने के बाद ये दो ऐड हो गया, इसको एक को डिलीट कर देता हूँ। अब इसको ऐड करने के बाद इसका साइज पहले आपको फुल कर देना है। साइज फुल करने के बाद इसका ब्लेंडिंग में जाना है, स्क्रीन करना है। और हाँ गाइस, ये फ्लैश इफेक्ट वीडियो पूरा मतलब 100% है कि ये आपको 40 सेकंड वेट करने के बाद ही मिलेगा। सो आप जाके वेबसाइट पे 40 सेकंड वेट कर लेना। अब गाइस, इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा घटा देना है स्क्रीन करने के बाद, ताकि ये जो हमारा फेस पे आए और हमारा फोटो पे ज़्यादा चमक ना लाए। ओके, सो इस प्रकार से आपको इसको ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद सो गाइस, उसके बाद आपको आगे जाना है और यहाँ पे क्या करना है, 12.800 सेकंड पे जाना है, और जहाँ पे 12.800 सेकंड है वहाँ पे जाना है और ये फ्लैश इफेक्ट वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके, सो गाइस, यहाँ पे फ्लैश इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है और कैची आइकन पे क्लिक करना है, जो स्प्लिट एड फ्लैश लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये जो बीच से कट हो जाएगा। अब गाइस, इसको कट करने के बाद आपको करना क्या है, इसको एंड में आ जाना है। ये देखो इधर जो है ना, जो राइट साइड में है फ्लैश इफेक्ट, इसका मतलब आपको एंड में आ जाना है। और एंड में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा फास्ट जो फ्लैश इफेक्ट है वो थोड़ा फास्ट है, तो आपको यही पार्ट को इस यहाँ पे ऐड करना है। सो आपको कैची आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको और कैची आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो फर्स्ट टाइम वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको आपको क्लिक कर देना है, तो जो शुरू का जो फ्लैश इफेक्ट होगा वो ट्रिम हो जाएगा और इधर जो फास्ट फ्लैश इफेक्ट है वो रह जाएगा। आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर लेकर जाना है जहाँ पर ये फ्लैश इफेक्ट एंड हुआ है, जिसका मतलब जहाँ पर ये फ्लैश इफेक्ट खत्म हो गया है वहाँ पर ये शुरू हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको क्लिप ग्राफिक्स ऐड करना है। इसमें आपको दो क्लिप ग्राफिक्स, मतलब इसमें हम दो क्लिप ग्राफिक्स को ही यूज़ करेंगे। सो पहला है जो है ओवरऑल एनिमेशन 2 और दूसरा है स्वीट लिस्ट। सो स्वीट लिस्ट आप बीटसिंस ऐप से इंस्टॉल कर सकते हो।
अगर आपको बीटसेंस ऐप से कोई भी क्लिप गार्बेज इंस्टॉल करना नहीं आता है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ओके, और बाकी बात रही ओवरऑल एनिमेशन 2 की, तो आप बिल्कुल भी आसानी से काइन मास्टर से डाउनलोड कर सकते हो। बस आपको अपनी इंटरनेट को ऑन करना है और अपनी इमेज पर क्लिक करना है और क्लिक करना है क्लिप गार्बेज पर, और ऊपर में आपको एक बॉक्स आइकन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। सो जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो यहीं पे आपको ओवरऑल एनिमेशन 2 भी दिख जाएगा। सो ये आप लोग देख सकते हो, आपको इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। ओके, अब गाइस देखो मैं पूरा तो करके दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कहाँ तक आपको कौन सा क्लिप गार्बेज एड करना है। सो जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा होगा कि शुरू से मेरा यहाँ तक जो है सेम ही क्लिप गार्बेज चलता आ रहा है। सो आपको कहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सो सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है 14.400 सेकेंड के बाद जो भी इमेज बचेगा इधर, यहाँ पे बीट आप देख सकते हो, यहाँ से बीट अलग टाइप का बीट स्टार्ट हुआ है 14.700 सेकेंड, आप देख लेना। उसके बाद इधर जो भी इमेजेस में हम स्वीटली एड कर लेंगे, और इधर जो लेफ्ट साइड में इमेजेस में हम ओवरऑल एनिमेशन 2 से 12 नंबर वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, बोले तो 12 नंबर वाला ओवरऑल एनिमेशन 2 से 12 नंबर वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से वहाँ तक जितना भी इमेज रहेगा ना सभी में आपको सेलेक्ट करना है, यही वाला जैसे कि आप मेरे प्रीव्यू वीडियो को देख सकते हो कि मैंने कैसे सभी इमेज में वही वाला क्लिप गार्बेज को एड किया था। सो यहाँ से कहाँ तक एड करना है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आगे जाके यहाँ तक जहाँ पे मैंने अभी बीट में लगाया यहाँ तक, हाँ 15 सेकंड तक आप समझ लो, हाँ 15 सेकंड तक आप वही ला सेलेक्ट करना ओवरऑल एनिमेशन 2 से जो है 12 नंबर वाला। ओके, ओवरऑल एनिमेशन 2 से 12 नंबर वाला। सो आपको इस प्रकार से सभी में सेलेक्ट कर लेना वन वन करके। मैं एड नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ जब मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरे प्रीव्यू वीडियो को देख सकते हो कि उसमें कैसा क्लिप गार्बेज है और ये कैसा क्लिप गार्बेज है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से आपको एड कर लेना है। अब गाइस इतना एड करने के बाद जब आप यहाँ से 15 सेकंड तक एड कर लोगे ये क्लिप गार्बेज को, फिर 15 सेकंड के बाद आपको आगे जाना है। सो 15 सेकंड के बाद आपको आगे जाना है। सो 15 सेकंड तो नहीं है, 15 सेकंड से पहले है ये वाला इमेज है। ओके, सो ये वाला इमेज को मैं थोड़ा सा ट्रिम कर देता हूँ क्योंकि बीट पे नहीं तो हमारा जो इमेज है वो मैच नहीं होगा। सो अब गाइस क्या करना है आपको, इधर से देखो क्लिप गार्बेज को एड करना है, सिर्फ स्वीटली से सेलेक्ट करना है, बट स्वीटली से हम दो क्लिप गार्बेज को एड करेंगे, जो ये पहला है 9 नंबर वाला। और हाँ गाइस आपको दो इमेज में सेम क्लिप गार्बेज को एड करना है, जैसे कि उसमें मैंने सेलेक्ट किया था स्वीटली से 9 नंबर वाला, तो इसमें भी मैं स्वीटली से 9 नंबर वाला ही सिलेक्ट करूँगा। ओके, सो फिर जो अगला इमेज होगा उसमें मैं हम सेलेक्ट कर लेंगे स्वीटली से 11 नंबर वाला। ओके, बोले तो 11 नंबर वाला आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सो फिर आपको ये दो इमेज में सिलेक्ट करना है स्वीट लिस्ट से 11 नंबर वाला, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइस आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करते जाना है। सो इधर से मैंने 11 नंबर वाला सिलेक्ट किया है दो इमेज में, सो इधर से मैं फिर से स्वीट लिस्ट से 9 नंबर वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ दो इमेज में। सो आपको यही दोनों क्लिप गार्बेज को एड करना है स्वीट लिस्ट से, और कोई भी एड नहीं करना है, बाकी वो सब सॉन्ग के हिसाब से मैच नहीं होगा, बाकी आपका मर्जी, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और इसमें मैं फिर से 11 नंबर वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ स्वीट लिस्ट से, और आगे जो एक इमेज होगा उसमें भी मैं 11 नंबर वाला ही सिलेक्ट करूंगा स्वीट लिस्ट से। सो आपको इसी प्रकार से सिंपली सभी इमेज में यहाँ पे सिलेक्ट करते जाना है। पहले आपको दो इमेज में 9 नंबर वाला सिलेक्ट करना है, फिर दो इमेज में 11 नंबर वाला, फिर 9 नंबर वाला, फिर 11 नंबर वाला। सो आप समझ सकते हो कि कैसे आपको रिपीट करना है। ओके, सो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपको इस प्रकार से सभी इमेज में सिलेक्ट करते जाना है रिपीट कर करके। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको सिलेक्ट करना है, दो इमेज में क्लिप गार्बेज एड करना है सेम क्लिप ग्राफिक्स, जैसे कि स्वीट लिस्ट से 9 नंबर वाला, और फिर दो इमेज में स्वीट लिस्ट से 11 नंबर वाला। ओके, सो इस प्रकार से आपको रिपीट करते जाना है पूरा वीडियो में, और आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब मैं पूरा एड नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। सो गाइस फिर आपको शुरू में आ जाना है इतना करने के बाद, फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है यहाँ पे, और क्लिक करना है मीडिया पे, मीडिया पे क्लिक करने के बाद ये लाइट फिर वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके इसको एड कर लेना, ये सबसे अलग और सबसे नया लाइट फिर वीडियो है। सो आपको इसको एड यहाँ पे डाउनलोड करके एड कर लेना है, साइज को इस प्रकार से बढ़ा देना है थोड़ा, और इसका ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन करना है, और इसमें कोई ऑडियो होगा उसको जरूर से आप म्यूट कर देना। ओके, सो इसको ऑडियो को भी म्यूट कर देना, और इसका ब्लेंडिंग में जाने के बाद स्क्रीन करने के बाद एडजस्टमेंट में जाना है, इसका जो बेटने थोड़ा सा माइनस कर देना है, और यहाँ पे ऑडियो म्यूट कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से आपको वीडियो देखने में लग रही होगी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। वैसे मैंने पूरा वीडियो में एड नहीं किया है इसलिए पूरा तो एड नहीं हुआ है। सो गाइस फिर आपको शेयर के आइकन पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।